लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कॉन कॉल। कमोडिटी कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन और हमने कल के सेशन में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आते हुए देखा, क्योंकि एक दिन पहले हमने देखा कि जिस ढंग से पी स्टॉक चल रही थी, उम्मीद थी कि मार्केट के अंदर कहीं ना कुछ बड़ा हो सकता है। बट कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मार्केट में हमने एक रिवर्सल साइन देखा है, रिवर्सल साइन। तो इक्विटी मार्केट में कल के सेशन में हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है। वहीं क्रूड में भी तेजी थी, गोल्ड सिल्वर इनमें हमने जबरदस्त तेजी देखी है। तो कल हमने सोना चांदी बेस मेटल एनर्जी इन सब में तेजी बनते हुए देखी। तो कल काफ़ी एक हम बोल सकते हैं रिवर्सल ट्रेड मार्केट में था। बट आज की अगर बात करें तो आज ग्लोबल मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे, जहाँ पे डाउ जोन 35,200 के करीब ट्रेड कर रहा है, S&P 4600, नैसडेक 15,100, मतलब तेजी बन रही है, क्योंकि विक्स 21.90 के करीब है, जो बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो कंसर्न्स है वो थोड़े कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो क्रूड के प्राइजेस के अंदर हमने एक अच्छी खासी गिरावट बनते हुए देख रहे हैं। ये गिरावट आने का कारण क्या है? US ने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक रिजर्व मार्केट से रिलीज किया है, जिसके चलते हमने ये गिरावट बनते हुए देख पा रहे। कल के सेशन में क्रूड के अंदर हमने डोमेस्टिक मार्केट में 2.5% सप्लाई के चलते ये तेजी आई थी। वेस्टर्न सैंक्शन जो रशिया पे लगे थे उसकी वजह से तेजी बनी थी, इन्वेंट्री में ड्रॉप था जिसकी वजह से ये दिखा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल आता है। तो एक बार हम ब्रीफ आउट कर लेते हैं, जहाँ पे क्रूड ब्रेंट क्रूड में गिरावट है, नेचुरल गैस के अंदर 1% की गिरावट है, बॉन्ड यील्ड में हमने तेजी बनते हुए देख रहे हैं, कॉटन फिर से 140 सेंट के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर सोने चांदी की बात करें, कल की रिकवरी के बाद मार्केट थोड़ा स्टेग्नेंट है, 1930 के करीब रहा है। वहीं 2480 के करीब चांदी ट्रेड कर रहा है कल की बड़ी तेजी के बाद। आज एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है जो प्लेटिनम और कॉपर में भी दिखाई दे रही है। वहीं सोयाबीन की बात करें तो कल की रैली के बाद 1650 के करीब इस वक्त सोयाबीन ट्रेड कर रहा है। सोया ऑयल में 0.5% की गिरावट है। ज़्यादा करके हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो क्रूड में जो गिरावट आती उसी का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इस वक्त क्रूड अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं क्रूड में हम 5% की गिरावट इस वक्त देख पा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 98 के नीचे आ चुका है, जो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिरता है तो वैसे तो देखा जाए तो हम कमोडिटीज़ में एक इसका पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखते हैं। अब हम आ जाते हैं कल के सेशन में मार्केट में क्या हुआ। कल के सेशन में हम देख रहे हैं कि सोने चांदी में हमने तेजी देखी, फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के चलते सोने में करीबन 1% की जून वायदे में तेजी देखी, मई वायदे में चांदी में 0.5% से ज़्यादा की तेजी। कल हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है और बॉन्ड यील्ड में कल थोड़ा बहुत पुलबैक था, ये कहीं ना कहीं कारण था सोने में और चांदी में बढ़ने की। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में फिर से हमने गैप डाउन होने के बाद USDINR में तेजी देखी, उसका भी एक कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। बट मेजर कारण था वो था प्रोग्रेस जो बन रहा है रशिया और यूक्रेन को पीस टॉक को लेकर, वो कहीं ना कहीं मुख्य कारण था जिसकी वजह से हमने डॉलर 2 वीक के लो पे जाते हुए देखा। कोरोना का जो कंसर्न है चाइना में वो अब ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि संघाई 9 दिन के लिए लॉकडाउन में गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं सोने को लोअर लैंड पे कंटिन्यू सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं कल क्रूड की बात करें तो क्रूड में हमने 2.5% की तेजी और नेचुरल गैस में 3% की तेजी देखी। क्रूड में हमने देखा सप्लाई टाइटनेस की वजह से, वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से हमने क्रूड में तेजी आते हुए देखी। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये भी सुनने में आ रहा है कि रशिया इज डिमांडिंग रूबल और गोल्ड, बट वेस्टर्न कंट्रीज आर नॉट रेडी, जिसकी वजह से कंसर्न्स बन सकते हैं। नो डाउट आज की जो गिरावट है वो US ने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व 1 मिलियन बैरल का रिलीज किया है, जिसके चलते ये गिरावट है। अदरवाइज कल हमने इन्वेंट्रीज में भी ड्रॉप आते हुए देखा, जो प्राइजेस को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कंसर्न संघाई के लॉकडाउन को लेकर है, जिसकी वजह से चाइनीज ऑयल डिमांड हिट कर सकती है, बट लेट्स सी, मार्केट इस चीज़ को डिस्काउंट करता हुआ चल रहा है। नेचुरल गैस के अंदर भी हमने कोल्डर वेव के चलते प्राइजेस को सपोर्ट आते हुए देखा है, बट कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिए 428 रुपीज के ऊपर की क्लोजिंग या 430 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है तो हम बड़ी तेजी देख पाएंगे। अदरवाइज 400-430 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा।
वहीं अगर बेस मेटल की बात करें तो कल का दिन बेस मेटल का काफ़ी वॉलेटाइल था, बिकॉज कल बार बार में हम देख रहे हैं कि कॉपर 830 का लेवल टेस्ट करता है बट टूट नहीं पा रहा, बट चार्टिकली काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कॉपर में हमने देखा कि लोअर लेवल पे सपोर्ट इसलिए भी मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं डॉलर में वीकनेस है और जो कंसर्न्स बना हुआ था यूक्रेन और रशिया को लेके वो कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट कंसर्न ये भी बना हुआ है चाइना में जो लॉकडाउन है, बट कॉटन के जो वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोडालको, यहाँ पे हमने देखा कि ड्रिलिंग एक्टिविटी मार्च में स्टार्ट करने की बात की थी जिसके लिए अपसाइड थोड़ा कैप है, बट अभी भी जो राइसिंग प्रोडक्शन की बात करें वो अभी भी वरीसम है बिकॉज मार्केट अभी भी डेफिसिट में है। जिंक हमें सबसे अच्छा लग रहा है, पिक ऑफ डे में हमने जिंक लेके आए हैं जहाँ पे चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 344 के साथ कल 3% की तेजी दिखाई है, जिस ढंग से एनर्जी क्राइसिस कंटिन्यू बना हुआ है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम और जिंक इन दोनों पे ध्यान रखना है। फिट्स का भी एक अपडेट आया हुआ है कि 2022 के अंदर जिंक का जो फोरकास्ट दिया है वो $3,500 का दिया है और अभी नो डाउट 4,100 का भाव चल रहा है, बट इंपॉर्टेंट होता है कि ओवरऑल क्या ट्रेंड है। तो हमने पहले से फोरकास्ट में जंप आते हुए देखा है जिसकी वजह से ये जंप मिला हुआ है। चाइना अगर चीन के आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे 10,000 मेट्रिक टन के आसपास का फॉल दिखा रहा है मार्च में, बिकॉज काफ़ी स्मेल्टर्स है जिन्होंने अपने प्रोडक्शन को सस्पेंड किया था। एल्यूमिनियम की भी बात करें तो यहाँ पे भी एनर्जी क्राइसिस की वजह से और इन्वेंट्री की वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला हुआ है। कल भी हमने 2.5% की तेजी देखी, ध्यान रखिए 290 के ऊपर निकलने पे हम एक बड़ी तेजी देख पाएंगे क्योंकि एल्यूमिनियम की जो इन्वेंट्रीज है एलएमई पे वो फर्दर फॉल हुई है रिकॉर्ड पे, जहाँ पे 6,70,000 के आसपास बन चुका है, तो इस पे भी आप ध्यान रखिए। निकल के अंदर ट्रेड पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है बट आगे जाके उम्मीद है क्योंकि सिमोटा मेटल्स यहाँ पे हमने देखा है जो डिमांड के बारे में बताई जा रही है कि काफ़ी शानदार रहनी है। ग्लोबल निकल जो सरप्लस है वो 6,000 हमने पहले भी देखा था, जो डेफिसिट 5,000, इसके लिए मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। अब क्विकली अगर हम बात करें एग्री पैक के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एग्री पैक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमने सभी काउंटर्स के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम बनते हुए देख पा रहे हैं। सबसे पहले मेंथा की बात करें तो कल हमने 1% की गिरावट जरूर देखी है, बट ध्यान रखिए अभी भी क्रॉप साइज के ऊपर कंसर्न्स बने हुए हैं, इस बार फर्दर क्रॉप साइज ड्रॉप होगी जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। मंडी टैक्स को लेकर अभी भी कंसर्न्स बना है, एक्सपोर्ट डिमांड एज ऑफ नाउ पिकअप नहीं कर पा रही है जिस ढंग से चाइना में लॉकडाउन है, और एज यू नो चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है। बट फिर भी 1050 के ऊपर काउंटर पॉजिटिव रहने की उम्मीद है जो अपसाइड के अंदर करीबन 1100 का भी लेवल तोड़ सकती है। वहीं अगर हम नेक्स्ट कॉटन की बात करें तो इस वक्त भी इंटरनेशनल में 140 सेंट के ऊपर कॉटन पहुंच चुका है। कल भी जैसे हमने उम्मीद की थी वैसे ही करीबन 2% की तेजी के साथ शॉर्ट कवरिंग आई है और नए हाई पे 42,700 के करीब आता हुआ दिखाई दिया है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि जो एक्सपोर्ट डेटा, प्रोडक्शन शॉर्टफॉल और वर्ल्ड जो एंडिंग स्टॉक की बात कर रही है, सभी फैक्टर पॉजिटिव है जो 45,000 का लेवल कॉटन अगले हफ्ते 10 दिन में दिखा सकता है। बट ध्यान रखिए ये जो भी तेजी है 10-12 अप्रैल तक ही है, उसके बाद एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है कॉटन के बाद। अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो यहाँ पे हमने कल जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है, करीबन 4% की। ईयर एंड है उसके चलते भी कुछ पोजीशन लिक्विडेट हुई है जिसकी वजह से गिरावट है, बट फंडामेंटल साइड कोई बड़ी तेजी नहीं है। इनफैक्ट 1 अप्रैल से कुछ जगहों पे दूध के भाव और बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कॉटन सीड ऑयल केक को सपोर्ट ही करेगा। तो आज के लिए अगर 51,50-60 की रेंज मिले लेके चलिए, या 3220 के ऊपर फिर से बाइंग करके चलिए 3280 के टारगेट के लिए। करंट लेवल पे काफ़ी लुक्रेटिव मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कपास के अंदर 2200 का लेवल टेस्ट कर चुका है, थोड़ा भी पुलबैक मिले लेके चलिए 2240 के टारगेट के लिए। गवार सीड गवार गम की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि प्राइजेस के अंदर कल थोड़ा ठहरा हुआ है, एक हार्मोनिक पैटर्न जरूर बना हुआ है गवार के अंदर। अगर 6,360-6,380 का लेवल तोड़ देता है तो हमें लगता है एक ब्रेकआउट अपसाइड का रहेगा जो 6,550 का लेवल दिखा दे। अदरवाइज आज थोड़ा बहुत पुलबैक अगर मिलता है तो 6,280 के करीब लेके चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव है। गवार गम में भी 12,000 के नीचे अगर मिलता है तो लेके चलिए, 12,150 का लेवल तोड़ने पे 12,350 का टारगेट आज इंट्राडे में दिखेगा। कैस्टर में हमने ऑलरेडी देखा है कि सपोर्टिव न्यूज़ है बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन दी प्रोडक्शन साइज, एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ है क्योंकि
कैस्टर ऑयल के जो एक्सपोर्ट की बात करें, यहाँ पे 15 से 20% का ड्रॉप दिखा रहा है, जो थोड़ा सा कंसर्निंग है। बट जैसे हमने कल भी कहा था कि 7200 के करीब मिले, लेके चलिए 7300 का टारगेट रहेगा। अब मसालों में आ जाते हैं, हमने पहले भी आगाह किया था कि पूरे मसाले पैक में गिरावट रहेगी। जीरा धनिया में कल हमने बड़ी गिरावट आती हुई देखी, आज भी ये गिरावट जारी रहेगी। बट ध्यान रखिए, दिन में गिरावट है बट एंड ऑफ द डे शॉर्ट कवरी आ सकती है, ध्यान रखना ये चीज को। तो 10,550 से 600 का लेवल मैक्सिमम आता हुआ दिखाई देगा धनिए में। जीरे के अंदर हमें लगता है 21,100 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। हल्दी में 8,600 से 8,550 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हम लोअर लेवल पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। करेंसी के अंदर बात करें तो USDR काफ़ी अच्छी लगती है पोजिशनली, 76-76-10 के करीब लेके चलिए। जो अपसाइड के अंदर 76-80 का लेवल हम 10-12 अप्रैल से पहले देख पाएंगे, जिस ढंग से क्रूड के भाव बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल का जो फर्क आएगा वो कहीं ना कहीं रुपए को और कमजोर करता हुआ दिखाई देगा। अंत में अगर हम चार्ट ऑफ द डे की बात करें तो क्रूड ऑयल के चार्ट्स पे ध्यान रखिए, क्योंकि आज की जो गिरावट है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। जब तक प्राइस 75 के ऊपर है तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है जो ब्रेकआउट के लिए तैयार है, बट हमें ब्रेकआउट के लिए 8200 का लेवल ब्रीच करना चाहिए, जो तोड़कर 88 का लेवल भी दिखा दे, बट आज गिरावट मिल सकती है। जिंक के चार्ट पे भी ध्यान रखिए, यहाँ पे कप एंड हैंड नेक लाइन है, अगर 348 के ऊपर प्राइजेस ब्रिज हो जाता है तो हम प्राइजेस को करीबन 370 तक का भी लेवल देख पाएंगे। इस चार्ट पे आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ट्रेड कीजिए। इसी के साथ मैं मेरा सेशन एंड करता हूँ, धन्यवाद।